अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी ऑफ ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब जैसा कि हम जानते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो इसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था कि सारे चार्ज को इन्फिनिटी पर रखेंगे और फिर स्लोली उनको लाते हुए हम लोग सिस्टम को फॉर्म करेंगे। तो सिस्टम को फॉर्म करने में एक्सटर्नल एजेंट जितना भी वर्क करता है वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो इसमें हमें चार्जेज लाकर पूरे स्फीयर के अंदर, पूरे वॉल्यूम के अंदर भरना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो चार्जेज हैं वो मटेरियल के साथ ही आते हैं और इसलिए हम लोग जो स्फेरिकल शेल होते हैं, हॉलो स्फीयर ना, थीन हॉलो स्फीयर होते हैं, उनको धीरे धीरे इन्फिनिटी से लाएंगे और ला करके जो स्फीयर है उसको हम लोग बनाते जाएंगे। तो अपने पास जो स्फीयर है हमें एक कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर बनाना है, इस पर टोटल चार्ज क्यू है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे चार्जेज को इन्फिनिटी पर रखते हैं और वहाँ से हॉलो स्फीयर के फॉर्म में, स्फेरिकल शेल्स के फॉर्म में उनको धीरे धीरे ला करके स्फीयर को फॉर्म करते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर हमने शेल ला करके जोड़ते गए तो आर रेडियस का हमने एक स्फीयर जो है वो बना दिया, ठीक है। आर रेडियस का एक स्फीयर बनाया हमने, यानी कि इसमें चार्जेज जो है वो आ गए। तो ये जो स्फीयर हमने बनाया है इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि ये स्फीयर हमने फॉर्म कर दिया, मतलब इसके अंदर चार्जेज आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो चार्जेज आएंगे उनको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम से। तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज फॉर्म्ड बाय ब्रिंगिंग द चार्ज डी क्यू, क्यू कहेंगे यहाँ पर चार्ज क्यू, फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से स्लोली ला रहे हैं। तो इस चार्ज का जो वैल्यू होगा जो इस स्फीयर के अंदर आया होगा वो होना चाहिए रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो ये जो स्फीयर हमने बनाया उसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेयर इज वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये होना चाहिए क्योंकि इस स्फेयर का रेडियस आर है ना। तो क्यू का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम क्या करेंगे कि इस स्फीयर पर और एक स्फेरिकल शेल ले आते हैं, ठीक है। तो इस पर हम लोग ऐसा करते हैं कि डी आर थिकनेस का एक और स्फेरिकल शेल लाया हमने, ठीक है। इस स्फेरिकल शेल का रेडियस है आर जबकि थिकनेस है डी आर।
तो ये जो स्फेरिकल शेल लाया उस पर चार्ज कितना होगा ना? फर्दर ब्रिंगिंग द चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू 4πr² इंटू डी आर इंटू रो इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल शेल ऑफ शेल ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर, है ना। तो यहां पर हम ध्यान देंगे कि हमने एक छोटा सा शेल लाया है ना, तो ये जो शेल लाया इस पर जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये थीन है तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कैसे? इसका एरिया 4πr² इंटू थिकनेस डी आर, ये वॉल्यूम हो गया। ये जो हमने ये वाला जो रेड लाइंस के बीच में जो पार्ट है सिर्फ उसका जो वॉल्यूम है इतना हो जाएगा 4πr² dr, और जो चार्ज की वॉल्यूम डेंसिटी है रो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस शेल पर चार्ज निकल जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने ये तो पहले स्फीयर बना दिया था, क्यू चार्ज पहले हमने लाया था, अब और डी क्यू चार्ज लाना है। डी क्यू चार्ज हमने इस शेल पर लाया है तो उसको लाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा हमें, है ना। तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस मीन्स ये डी क्यू चार्ज इन्फिनिटी से स्लोली लाने में जो वर्क करना पड़ा होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, चार्ज डी क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो डी क्यू इंटू जो फाइनल पोटेंशियल होगा इस सरफेस पर, है ना, यहाँ पर जहाँ चार्ज रखा हमने यहाँ का पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये देखेंगे। क्योंकि क्यू चार्ज पहले से था तो इस क्यू चार्ज के कारण से इस सरफेस पर जहां चार्ज लाया गया इतना पोटेंशियल पहले से है, तो फाइनली चार्ज यहां आया है इसके सरफेस पर और इनिशियली था इन्फिनिटी पर। तो फाइनल पोटेंशियल लिखेंगे के क्यू आई आर और इनिशियल रखेंगे जीरो। तो अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो डी डब्ल्यू हो जाएगा के क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो इसमें से क्यू का वैल्यू हम लोग और डी क्यू दोनों का वैल्यू रखेंगे। क्यू का वैल्यू यहाँ से रखेंगे रो इंटू 4π³ ये हो गया रो इंटू 4π³ इंटू डी क्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ से रखेंगे तो ये होगा 4πr² dr इंटू रो डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने से जो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ इसमें से कांस्टेंट टर्म है के रो स्क्वायर 4π² डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर पावर 4 इंटू डी आर, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ऐसा हमें क्या करना है, हमें तो कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर बनाना है, ठीक है। तो ऐसे सेल लाकर हम जोड़ते जाएंगे, छोटे छोटे सेल ऐसे जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जोड़ते हमें कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर बनाना है। तो ये जो सेल का रेडियस स्मॉल आर था इसकी वैल्यू हम लोग जीरो से लेकर कैपिटल आर तक रखेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन में
जीरो से कैपिटल आर तक इसकी वैल्यू रखी जाएगी। तो इंटीग्रेशन के बाद ये जो आएगा के इंटू फोर स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय थ्री इंटू रो स्क्वायर इंटू जो इसका इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा आर पावर फाइव बाय फाइव, ये रखेंगे आर पावर फाइव बाय फाइव। ठीक है, तो ये आ गया वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, वर्क डन वो एक्सटर्नल एजेंट है, तो वर्क डन वो एक्सटर्नल एजेंट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है ना। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसको हम लोग लिख सकते हैं थ्री बाई फाइव के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये कैसे आएगा, तो हम लोग रो की जो वैल्यू है रो की वैल्यू रखेंगे क्यू डिवाइडेड बाई फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। तो ये वैल्यू रो की जगह सब्स्टिट्यूट करने से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इतना आ जाएगा है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है वो हमें याद रखना है कि जो सॉलिड स्फीयर होता है उसकी सेल्फ एनर्जी होती है, सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव के क्यू स्क्वायर बाई आर। ठीक, अब ये तो हमने एक तरीके से कैलकुलेट किया, एक और तरीका है जिससे इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो हम लोग एक नए टर्म के बारे में जानेंगे, इस टर्म को कहा जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, है ना। ऐसा है कि अगर किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले स्पेस में हमेशा एनर्जी स्टोर होती है जिसको इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा जाता है, और यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। तो इसका जो डिफिनीशन होगा उसको ये कहा जा सकता है कि इट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस। जिस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होती है उसको एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ये होता है इसका वैल्यू किसी स्पेस में। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो किसी पॉइंट पर तो उसके आसपास एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अभी हम लोग ये सिर्फ फॉर्मूला का यूज करेंगे, आगे जाकर के कैपेसिटर चैप्टर आएगा उस चैप्टर में हम लोग इस फॉर्मूले को डिराइव भी करेंगे। ठीक, अब इस एनर्जी डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग एक स्फेरिकल शेल की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं ब्लू कलर से हमने एक स्फेयर बनाया है, यही अपना स्फेरिकल शेल है। इस स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है ये मान लेते हैं कि आर है, और इस पर टोटल चार्ज जो है वो क्यू है। ये स्फेरिकल शेल है, इसका मतलब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज सिर्फ सरफेस पर होगा। और जैसा कि हम जानते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस स्फीयर के बाहर होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं इस तरह से ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाहर की तरफ। तो ये देखेंगे कि जो R का वैल्यू है हम लोग जीरो से इन्फिनिटी तक इसको
वेरी करा सकते हैं आर का वैल्यू, है ना। यानी इस स्फेरिकल शेल के कारण से जो एनर्जी होगी वो पूरे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, है ना। तो कहा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल इज प्रेजेंट फ्रॉम आर इज इक्वल टू कैपिटल आर टू आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये है ये जो आर का वैल्यू है वो आर से इन्फिनिटी तक है, क्योंकि स्फेयर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, है ना। तो इस आर का वैल्यू हम लोग कैपिटल आर से इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी पूरे स्पेस में जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी। तो कहा जा सकता है सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्पेस फ्रॉम आर इज इक्वल टू कैपिटल आर टू आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आप देखेंगे कि हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में हमने स्मॉल आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का एक शेल लिया है, ठीक है। ये इमेजिनरी शेल है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इस वॉल्यूम में कुछ एनर्जी स्टोर होगी, है ना। तो ये हमने आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का एक स्फेरिकल इमेजिनरी शेल लिया है, ये वॉल्यूम है जस्ट, इस वॉल्यूम में कुछ एनर्जी स्टोर होगी, है ना। तो उस एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं, पहले तो ये करते हैं कंसीडर द शेल ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर, है ना। ये जस्ट हमने एक स्पेस लिया है, हम जानना चाहते हैं कि इस स्पेस में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन थिकनेस डी आर इज इक्वल टू डी यू, इसको हम लिखते हैं डी यू इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इंटू, ये जो थिकनेस है शेल का उसका वॉल्यूम ले लेंगे 4πr² इंटू डी आर, ठीक है। ये शेल जो है हम जानना चाहते हैं कि जो शेडेड पार्ट है इस शेडेड पार्ट में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर इस शेल के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा, इसलिए एनर्जी डेंसिटी भी इक्वल होगी, है ना। और एनर्जी डेंसिटी इक्वल होगी तो डायरेक्ट एनर्जी डेंसिटी से इसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देने से इसमें एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी डेंसिटी को उसका वॉल्यूम 4πr² dr से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि देखेंगे हम लोग u का वैल्यू रखेंगे, ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर 4πr² इंटू डी आर, ठीक। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस शेल के सरफेस पर यानी कि r डिस्टेंस पर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पर, तो आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर 4πr² dr, ठीक। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द शेल।
अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, जब सरफेस पर कोई, सरफेस से अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, जीरो मानेंगे, और जब इन्फिनिटी पर जाएंगे तो इन्फिनिटी और आर के बीच में सारी एनर्जी है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा यू इज इक्वल टू, इसमें जो कांस्टेंट पार्ट है उनको बाहर कर देते हैं, ये होगा एप्सिलॉन नॉट बाय टू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू फोर पाई, और इसमें से बच जाएगा डी आर बाई आर स्क्वायर आर टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो वैल्यू रखने के बाद आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले कैलकुलेट किए कि ये जो शेल होता है, स्फेरिकल शेल की सेल्फ एनर्जी होती है इतनी, है ना, इसकी सेल्फ एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाई टू आर होती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो सारी एनर्जी है वो इस स्पेस में, मतलब कि जो स्फेयर है, स्फेयर के बाहर इस पूरे स्पेस में आर से इन्फिनिटी तक इस स्पेस में स्टोर रहती है। अगर ये सारी एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इस स्फेरिकल शेल की सेल्फ एनर्जी के इक्वल आती है, है ना। तो यहाँ से हमने ये सीखा, ये तो हो गया स्फेरिकल शेल के लिए। उसी तरह से अगर हमें ऐसा करना हो कि एक सॉलिड स्फेयर के लिए करना हो, ठीक है, हॉलो स्फेयर में हमने क्या सीखा कि जो सारी एनर्जी होती है फॉर हॉलो स्फेयर जो है, चूंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, इसलिए अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होती, लेकिन बाहर में जो एनर्जी होती है वो सारी एनर्जी होती है के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, ठीक, फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर का मतलब हुआ कि इसमें जो चार्ज है वो चार्ज पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, पूरे वॉल्यूम में है, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो कुछ अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और बाहर भी होगी, ठीक है। तो जो बाहर वाली एनर्जी है, जो बाहर वाली एनर्जी है ये भी के क्यू स्क्वायर बाई टू आर ही होनी चाहिए, क्योंकि बाहर का जो फील्ड होता है ना, ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में भी बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं के क्यू स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते हैं, और हॉलो स्फीयर में भी जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था, है ना, ये फॉर्मूला इसमें भी होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है बाहर के लिए वो एक ही है, और दोनों में ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड आर से लेकर के इन्फिनिटी तक बढ़ता है, फैला होता है, इसमें भी आर से इन्फिनिटी तक फैला होता है, और इसलिए जो एनर्जी बाहर वाली है दोनों में इक्वल होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड स्फीयर की जो सेल्फ एनर्जी होती है वो टोटल होती है 3/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, ये सेल्फ एनर्जी होती है। तो अगर हम इसमें अंदर वाला एनर्जी और बाहर वाला एनर्जी अगर दोनों को ऐड कर दें तो कुल मिलाकर सेल्फ एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। तो यू इनसाइड प्लस यू आउटसाइड
इज इक्वल टू 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर होना चाहिए। ठीक है, तो आउटसाइड वाला जैसे फॉर्मूला भी जो है वो स्फेरिकल शेल के बराबर ही है, के क्यू स्क्वायर बाई 2r। अब इनसाइड जो एनर्जी है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर u इनसाइड देखें तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो ये देखेंगे कि कुल मिलाकर के ये आ गया के क्यू स्क्वायर बाई 10r। तो ऐसा कहा जा सकता है कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर अंदर इतनी एनर्जी स्टोर होती है और बाहर इतनी एनर्जी स्टोर होती है। अगर इनका रेशियो निकालना हो, U आउटसाइड डिवाइडेड बाई U इनसाइड इज इक्वल टू, ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई 2r और ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई 10r। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आ गया 5, है ना। तो आउटसाइड वाला जो एनर्जी है वो 5 टाइम्स ज्यादा होता है अंदर वाले एनर्जी से। तो एक एग्जांपल करते हैं। द एग्जांपल इज ए स्फीयर और स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एंड uniformly distributed charge, uniformly distributed charge Q is expanded to a spherical shell of radius 2r, then find work done by external agent against electric forces इन द प्रोसेस। तो जब हम स्फीयर को एक्सपेंड कर रहे होंगे r रेडियस से 2r तक, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें पता करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, एक स्फेरिकल शेल दिया गया है जिसका रेडियस है r, इसका रेडियस r है और चार्ज है q। ठीक, फिर हमने क्या किया कि इसको एक्सपेंड करके रेडियस को डबल कर दिया है। ठीक, तो इसका रेडियस हो गया 2r लेकिन चार्ज अभी भी q है। ठीक, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी देखेंगे इस स्फेरिकल शेल की, तो होनी चाहिए के क्यू स्क्वायर बाई 2r। और फाइनली जब रेडियस इसका 2r हो जाएगा उस केस में इसकी सेल्फ एनर्जी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू रेडियस 2r, यानी के क्यू स्क्वायर बाई 4r। ये हो गया। सो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, है ना। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग रखेंगे के क्यू स्क्वायर बाई 4r माइनस
क्यू स्क्वायर बाई टू आर, तो ये आएगा निगेटिव में के क्यू स्क्वायर बाई फोर आर। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस विल बी नेगेटिव एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाई फोर आर। अब आप देखेंगे नेगेटिव क्यों हुआ होगा, है ना? तो नेगेटिव इसलिए हुआ होगा कि ये इस पर जितने भी चार्जेज हैं वो सारे रिपेल कर रहे होंगे ऐसे। ये खुद ही जो है इस स्फेयर को एक्सपेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं, और एक जो एक्सटर्नल एजेंट है वो स्लोली एक्सपेंड कराता है। स्लोली का मतलब नेट फोर्स जीरो करते हुए। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्सेज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स होगा वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है? तो फोर्स लग रहा है रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि एक्सपेंशन हो रहा है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इसीलिए इस फोर्स ने निगेटिव वर्क किया होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हमें दो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर्स दिए गए। एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर ये हो गया जिसका रेडियस है आर वन, और जो दूसरा नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है वो ये हो गया और इसका रेडियस है आर टू, ठीक? अच्छा, जो दोनों स्फेयर है, एक पर चार्ज हमें दिया गया है क्यू वन और दूसरे पर चार्ज दिया गया है क्यू टू, ठीक? इनके सेंटर से, इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें दिया गया है इस तरह से, ये डिस्टेंस बताया गया कैपिटल आर। हमें पता करना है कि इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर्स। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि चूंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, इसलिए इनके बदले में एक पॉइंट चार्ज को माना जा सकता है कि सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है? तो इनको जो स्फेयर है उनको एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस किया जा सकता है। तो ऐसा मान लेते हैं कि एक चार्ज क्यू वन यहाँ पर है इसके सेंटर पर, इसका सेंटर मान लेते हैं ए और इसका सेंटर बी। तो पॉइंट ए पर एक चार्ज रखेंगे क्यू वन और पॉइंट बी पर दूसरा चार्ज रख सकते हैं क्यू टू, क्योंकि ये सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और साथ ही में ये नॉन कंडक्टिंग है, तो कोई इंडक्शन नहीं होने वाला, चार्जेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन या शिफ्टिंग नहीं होने वाला, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ही रहेगा, है ना? इसलिए इनको एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस किया जा सकता है जो कि उनके सेंटर पर रखा होगा। अब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है आर। तो इनको दो पॉइंट चार्ज मान लें तो एक तो क्या करेंगे, इनकी अपनी सेल्फ एनर्जी होगी, है ना, इनकी सेल्फ एनर्जी होगी और दूसरी इनकी इंटरैक्शन एनर्जी भी होगी। तो जब भी एनर्जी निकालना हो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरैक्शन एनर्जी, है ना? सेल्फ एनर्जी भी निकालेंगे और इंटरैक्शन एनर्जी भी निकालेंगे। तो यहाँ से U जो होगा, सेल्फ एनर्जी लिखेंगे क्योंकि दोनों होलोस्फेयर हैं, ये भी होलोस्फेयर। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई सेल्फ एनर्जी के क्यू वन स्क्वायर बाई टू आर वन प्लस दूसरे वाले की होगी के क्यू टू स्क्वायर
बाय टू आर टू प्लस इंट्रैक्शन की एनर्जी। इंट्रैक्शन की एनर्जी ऐसे हम निकालेंगे, जैसा हमने आपने देखा होगा कि यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज सिस्टम बना दिया, तो एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे पॉइंट चार्ज जैसे, तो इनकी इंटरेक्शन की एनर्जी होगी के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो ये जो है टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई इस दो स्फेयर वाले चार्ज सिस्टम की। तो एक एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में हमें दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स दिए गए, एक पर चार्ज है Q1 और दूसरे पर चार्ज है Q2, है ना। टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैव चार्जेस Q1 and Q2 as shown in figure. Find potential energy of the system. इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन की एनर्जी ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चूंकि दो स्फेरिकल शेल्स हैं तो इन दोनों की सेल्फ एनर्जी आएगी, एक की आएगी के क्यू वन स्क्वायर बाई आर वन टू आर वन प्लस दूसरे की आएगी के क्यू टू स्क्वायर बाई टू आर टू। ठीक है, ये दोनों की सेल्फ एनर्जी हो गई प्लस अब निकालनी है हमें इंटरेक्शन की एनर्जी। तो इंटरेक्शन की एनर्जी निकालने के लिए क्या करना चाहिए, एक के कारण से दूसरे पर एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं कि ये स्फीयर है, इसके कारण से यहां पर पोटेंशियल निकाल करके उस पोटेंशियल को Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी इंटरेक्शन की एनर्जी आ जाएगी, है ना। इस तरह से इस पर चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज है Q2, तो इसके कारण से यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे तो आएगा K Q1 के क्यू वन डिवाइडेड बाई आर टू, है ना। इसका जो रेडियस है ये आर टू है। ठीक है, तो इस अंदर वाला जो स्फेयर है, अंदर वाले स्फेयर के कारण से यहां पर पोटेंशियल इनटू इसका जो चार्ज है आउटर वाले शेल पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इंटरेक्शन वाली। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आया के क्यू वन स्क्वायर बाई टू आर वन के क्यू टू स्क्वायर बाई टू आर टू प्लस के क्यू वन क्यू टू बाई आर टू। ठीक है, तो इंटरेक्शन की एनर्जी निकालने का एक और तरीका था, ऐसे समझते हैं इस पर चार्ज है क्यू टू इस पर चार्ज है क्यू वन, तो आउटर वाले कारण से यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे और चार्ज Q1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इंटरेक्शन की एनर्जी निकालनी हो तो इसके कारण से यहां पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसके खुद के सरफेस पर होगा, तो K Q2 by R2 इसके कारण से यहां पोटेंशियल और यहां पोटेंशियल बराबर होगा, है ना। पोटेंशियल हो गया इतना और इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे Q1 से तो इनकी इंटरेक्शन की एनर्जी आ जाएगी। देखेंगे वही वाली वैल्यू जो है वो यहां भी आई है, है ना। तो इस तरह से दो तरीके से इंटरेक्शन की एनर्जी निकाल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इसके कारण से यहां पोटेंशियल निकालें और इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, या इसके कारण से यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे और इसके चार्ज Q1 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये दो तरीके से इंटरैक्शन की एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। तो एक और एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल में हमें दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स दिए गए है ना। वी हैव टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैविंग रेडियाई आर वन एंड आर टू, चार्जेज क्यू वन एंड क्यू टू रेस्पेक्टिवली। अ पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू इज ऑल्सो प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेयर्स। जैसे इसमें कहा गया कि जो दो स्फेयर्स हैं जिसका रेडियस आर वन है, इस पर चार्ज हमने रख दिया है क्यू टू है ना, इस पर चार्ज रख दिया हमने क्यू वन, और जिसका रेडियस आर टू है उस पर चार्ज रख दिया क्यू टू, और एक सेंटर पर चार्ज रखा है स्मॉल क्यू। ठीक, अब हमें पता करना है कि सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। वी हैव टू फाइंड द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो इस पॉइंट चार्ज सिस्टम की अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो हम इसकी सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और साथ में इंटरैक्शन की एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे। तो सेल्फ एनर्जी सिर्फ स्फेयर को चार्ज सिस्टम की होती है, पॉइंट चार्ज की नहीं होती। ठीक है, तो एक स्फेयर है अंदर वाला, उसकी सेल्फ एनर्जी हम लोग लिखेंगे क्यू वन स्क्वायर बाई टू आर वन। उसी तरह से जो आउटर स्फेयर है उसकी सेल्फ एनर्जी होगी के क्यू टू स्क्वायर बाई टू आर टू। ठीक है, उसके बाद अब हम निकालेंगे इंटरैक्शन की एनर्जी। तो इंटरैक्शन की एनर्जी जो है वो तीन बार आएगी, दो दो का पेयर लगा करके, दो दो का पेयर बना करके अगर हम इंटरैक्शन की एनर्जी निकालेंगे तो तीन पेयर बनेंगे और इसलिए तीन पोटेंशियल एनर्जी आएगी इंटरैक्शन वाली। तो पहला काम हम ये करते हैं कि ये पॉइंट चार्ज का इसके कारण से निकालेंगे। तो क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट चार्ज के कारण से यहाँ पोटेंशियल निकाल लेते हैं और इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं है ना। तो चार्ज Q1 इंटू पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ इनर स्फेयर ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू वाई आर वन। ठीक है, हमने पॉइंट चार्ज के कारण से यहाँ पोटेंशियल निकाला और पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करने से पोटेंशियल एनर्जी आती है। उसी तरह से इसकी इंटरेक्शन एनर्जी निकालेंगे पॉइंट चार्ज से, तो वो हो जाएगा के, इसमें हम लोग क्या करेंगे इस पॉइंट चार्ज के कारण से यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे और इस चार्ज क्यू टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चार्ज क्यू टू इंटू पोटेंशियल के क्यू बाई आर टू। ठीक है, इसके कारण से सेंटर चार्ज के कारण से यहाँ पर पोटेंशियल इतना आ गया और फिर यहाँ जो चार्ज है क्यू टू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल आ गया। ठीक, प्लस इंटरेक्शन की एनर्जी। अब हमने क्या किया, ये जो पॉइंट चार्ज है इस पॉइंट चार्ज का इसके साथ और इसके साथ दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इस स्फेयर का और इस स्फेयर का
इंटरैक्शन का एनर्जी निकालेंगे। तो ये कर सकते हैं कि इसके कारण से यहाँ पोटेंशियल निकाल लें और इस चार्ज से Q2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो सकता है। या दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इस Q2 के कारण से यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे और फिर इस Q1 चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके कारण से पोटेंशियल निकालते हैं यहाँ आउटर सरफेस पर, वो आएगा KQ1/R2 इंटू आउटर सरफेस पर, यहाँ पर पोटेंशियल निकाला तो यह R2 डिस्टेंस लेना पड़ेगा, है ना, और यहाँ पर जो चार्ज है Q2, उस चार्ज Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनकी इंटरेक्शन की एनर्जी आ गई। तो कुल मिलाकर के ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आई सिस्टम की, वो हो गई KQ1² / 2R1 प्लस KQ2² / 2R2। ये सेल्फ एनर्जी हो गई दोनों स्फेयर की, क्योंकि पॉइंट चार्ज की कोई सेल्फ एनर्जी नहीं होती है, इसलिए उसकी सेल्फ एनर्जी हमने नहीं लिखा है, लेकिन इंटरेक्शन की एनर्जी लिखा है। तो आएगा KQ1, इस टर्म को और इस टर्म को ऐड कर देते हैं ना, तो उसमें आ जाएगा बस KQ कॉमन आ जाएगा, है ना, तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको, KQ1 इंटू Q/R1 प्लस KQ2 इंटू Q/R2 प्लस ये जो थर्ड टर्म है KQ1 Q2/R2। तो टोटल जो है इसमें 5 टर्म्स है, जिनमें से ये दोनों सेल्फ एनर्जी है स्फेयर्स की, और ये जो है इंटरेक्शन एनर्जी हो गई, और इंटरेक्शन एनर्जी टोटल 3 आएंगे, क्योंकि 3 पेयर्स बनेंगे।